हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बना के तैयार करेंगे आलू का एकदम बहुत ही बढ़िया एक स्पेशल रेसिपी, जिसे आप क्विक बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, एकदम टेस्टी साइड डिश है दोस्तों। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू का आपको बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, तो मैं कुकर में इसे आज बॉईल करके तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसे भी काट के भी बॉईल कर सकते हैं। तो बॉईल करने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो चलिए अभी कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और 3 से 4 विसल आने तक इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सर जार लिया है, इसमें डाल देता हूँ 1/2 कप नारियल, यानी कि मैंने कद्दूकस करके लिया है। 1 नारियल का 1/2 मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 के लिए लहसुन। तो इसी के साथ मैं डाल देता हूँ 2 हरी मिर्ची। और यहाँ पर देखिए 1/2 छोटा चम्मच जीरा भी इसमें मैं डाल देता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैं डाल देता हूँ, 8 से 10 कड़ी पत्ता इसमें मैंने लिया है। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देना है। तो चलिए इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने पीस लिया है, कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, ऐसे ही आपको पीस लेना है। अच्छा से मिर्ची और लहसुन बढ़िया से पीस जाए। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारा अच्छे से बॉईल होके तैयार हो चुका है। तो मैंने 4 विसल आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, बिल्कुल ये ठंडा होने के बाद आपको इसे ओपन करना है और छिलका निकाल के छोटा छोटा पीसेस करके हम काट के रखेंगे। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल लिया है, इसमें मैं डाल देता हूँ 1/2 छोटा चम्मच सरसों। तो फिर मैं इसमें डाल देता हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच मूंगफली। मूंगफली को डालने के बाद हल्का सा आपको इसे रोस्ट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से फ्राई किया हुआ मूंगफली है तो आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए इसे आपको फ्राई कर लेना है लो फ्लेम में। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा और कड़ी पत्ता हम इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम देखिए बिल्कुल आपको धीमा रखना है। तो यहाँ पर देखिए चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने डाल देता हूँ। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा हम भून लेते हैं, फिर हम डालेंगे जो हमने नारियल पीस के रखे थे। इसे डालने के बाद आपको मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा चलाते हुए आपको फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें जो कच्चा स्मेल है ना वो चला जाए। और बाद में देखेंगे बहुत ही बढ़िया एक लहसुन का फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम में, तो अच्छा से ये फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉयल किया हुआ आलू को मैंने छोटा छोटा पीसेस करके इसमें डाल देता हूँ, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी इसमें ऐड कर लेना है और बढ़िया से एक बार आपको मिक्स कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है और बनाने के बाद ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी का क्वांटिटी, हल्का सा पानी आपको डाल के एक बार मिक्स कर लेना है, ताकि बढ़िया से ये जो आलू के साथ है ना कोटेड हो जाए ये मसाला। तो एकदम लो फ्लेम में क्या करना है आपको, 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढककर थोड़ा सा पका लेना है। तो आलू तो हमने पहले से बॉयल किया था, तो 2 से 3 मिनट अगर ढककर पकाते हैं तो बहुत ही एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है और मसाला का कम्बिनेशन जो है ना आलू के साथ बढ़िया सा कोटेड हो जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के बाद ना बहुत पसंद करेंगे खाने के लिए, बहुत बढ़िया एक साइड डिश रेसिपी आप क्विक बना के घर पर तैयार कर सकते हैं। नारियल और मूंगफली का बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन रहेगा ये रेसिपी में, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे।